फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार काले गेहूं की खेती की जा रही है। 11 किसानों ने काले गेहूं अपने खेतों में लगाए हैं। पोषक तत्वों से परिपूर्ण काले गेहूं के बीज कृषि विज्ञान केंद्र के रिसर्च के बाद चुनिंदा किसानों को ही मुहैया कराए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इस बीज को विकसित किया हुआ है। पहली बार काले गेहूं की खेती शहीद गुंडा धुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक आदिकांत प्रधान की देखरेख में खेती की जा रही है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से काला गेहूं मानव शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसकी खेती से मुनाफा भी अच्छा होगा। किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि 100 दिनों के बाद इसकी फसल कैसी होगी। लाए थे तो काला गेहूं है, कोई पौष्टिक वगैरह इसका बढ़ावा होगा बोल के ला करके लाए हैं और डाले हैं पहली बार। लेकिन इस साल डालने के बाद पता चलेगा कि हम लोग को ये गेहूं में क्या पौष्टिक है, क्या चीज है, वो समझ में। वस्तुतः ये बात ये है कि जैसे हमारा सामान्य गेहूं होता था उसमें थोड़ा परिवर्तित किया गया है उसका रंग को, जो रंग है वो काला रंग का है इसलिए इसको काला गेहूं भी बोलते हैं। वो पिगमेंटेशन के कारण है, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स वो जैसा रहता है वैसे ही ज़्यादा है। इसको करने के पीछे ये कारण है कि जो अभी हमारी जलवायु थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है और अलग प्रकार का जो मौसम बन रहा है धीरे धीरे उसके अनुकूल बनाने की कोशिश किया गया है।